जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में जबलपुर के अंबेडकर चौक पर सैकड़ों की संख्या में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी मार्कशीट की छाया प्रति जलाई गई और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी छात्र संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा की गई, जहाँ लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बताया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सुपर एटिकेट लाभ लॉ पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा, जिसके कारण छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन से कई बार छात्रों की समस्याओं को लेकर बात की गई, पर विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार से छात्रों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इसको लेकर एसोसिएशन के द्वारा अपनी मार्कशीट जलाकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज सैकड़ों विधि छात्रों ने आज अपनी अंक सूची जलाई है, क्योंकि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सुपर एटिकेटी प्रदान ना होने के कारण एवं हजारों छात्रों का भविष्य खिलवाड़ करने के कारण, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो नीतियां बनाई गई हैं वो तो पूरी तरीके से छात्र विरोधी नीति है। ये मैं आज इस तरीके से दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये नीति पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी एक भी विश्वविद्यालय में ये लागू नहीं होती है। आज छात्र यदि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देता है उसे एटिकेटी आती है, और आप बोलते हैं कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आप पांचवें सेमेस्टर में जाएंगे, तो जब थर्ड और फोर्थ जब क्लियर होता नहीं है बच्चों का, तो आपने उनका फोर्थ का एग्ज़ाम कैसे ले लिया? बच्चे फोर्थ पास हो गए, थर्ड का एटिकेट एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपने फिफ्थ का भी एग्ज़ाम ले लिया, और थर्ड का जब उस समय एटिकेट एग्ज़ाम हुआ आपने लेट रिजल्ट घोषित किया।